हम देखेंगे इंस्पेक्शन ऑफ आइसोलेशन स्टॉपिंग कौन करेगा, कितने इंटरवल पे करेगा और क्या करेगा। ठीक है, तो आपका जो सीएमआर 2017 है वो स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपका आइसोलेशन स्टॉपिंग को कम से कम ओवरमैन रैंक के नीचे, कम से कम ओवरमैन रैंक का ही कॉम्पिटेंट पर्सन आइसोलेशन स्टॉपिंग का इंस्पेक्शन करेगा। कहने का मतलब असिस्टेंट मैनेजर्स, मैनेजर ये सब करेंगे, ठीक है, लेकिन ओवरमैन से नीचे वाला कोई नहीं करेगा। कम से कम ओवरमैन सर्टिफिकेट होल्डर कम से कम चाहिए, वही इसको करेगा। मतलब ओवरमैन सर्टिफिकेट के ऊपर वाले सब कर सकते हैं, कम से कम ओवरमैन सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। दूसरा बात, कितने फ्रीक्वेंसी में करेगा, इन एवरी 7 डेज, यही लिखा है यहां बात देखिए, एवरी आइसोलेशन स्टॉपिंग इज रिक्वायर्ड टू बी इंस्पेक्टेड बाय ए कॉम्पिटेंट पर्सन नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन ओवरमैन एटलीस्ट वंस इन एवरी 7 डेज, ठीक है। प्रत्येक आइसोलेशन स्टॉपिंग को कम से कम एक ओवरमैन रैंक के व्यक्ति द्वारा इंस्पेक्शन किया जाएगा और ऐसा इंस्पेक्शन हर 7 दिन में कम से कम एक बार किया जाएगा, ठीक है। अब क्या चीज का इंस्पेक्शन करेगा, क्या जाके देखेगा, तो 2-3 चीज पे आप पहले ध्यान रखिएगा, हम लिखाएंगे बताएंगे बहुत सारा चीज। एक गैस टेस्ट, लूजनेस ऑफ प्लास्टर, ब्रीदिंग तो नहीं हो रहा है स्टॉपिंग में, मतलब क्रैक्स तो नहीं ही डेवलप हुआ, वो ये 2-3 पॉइंट पे आपको। फिर बाद में अप्रोच रोड को भी देखना है, साइड के सपोर्ट को भी देखना है, जो अप्रोच रोड का सपोर्ट ठीक है कि नहीं, वेंटिलेशन ठीक है कि नहीं है, आपका जो भी फिटिंग, हम पुराने वीडियो जो पिछला वीडियो में बताए हैं कि आइसोलेशन स्टॉपिंग में कौन कौन से फिटिंग्स है, वो सारे फिटिंग ठीक ठाक है कि नहीं, वो सब चेक कीजिएगा। लेकिन मेनली आपके जाने का क्या पर्पज है वहां, वो ये है, क्या है देखिए, नंबर 1 क्या चेक करना है आपको, क्रैक्स, क्या चेक करना है आपको, लूजनेस ऑफ प्लास्टर, क्या चेक करना है आपको, गैस टेस्ट करना है वहां पे, क्या करना है, हथेली रख करके आप देख सकते हैं यदि थर्मामीटर उस स्टॉपिंग में नहीं है तो गर्म है या नहीं है, टेम्परेचर देख सकते हैं, ह्यूमिडिटी, हम बाहर में खड़े हैं तो आउटसाइड जो आपका एटमॉस्फेयर है स्टॉपिंग के आउटसाइड का, वहां पर क्या स्थिति है ह्यूमिडिटी का, देखिए क्रैक्स, क्रैक्स कहां चेक करेंगे, देखिएगा वर्ड पे बड़ा ध्यान रखिएगा, हम अंडरलाइन कर दिए होंगे, देखिए क्रैक्स इन एंड अराउंड द स्टॉपिंग्स, क्या बोला, क्रैक्स इन एंड अराउंड द स्टॉपिंग, मतलब क्या हुआ, ये मेरा स्टॉपिंग है, ये क्या है, ये स्टॉपिंग है, इस स्टॉपिंग में, इस स्टॉपिंग में कोई क्रैक्स है क्या, या इसके अगल बगल में क्रैक्स है क्या नहीं है, ये चेक करना है, क्या चेक करना है, क्रैक्स इन एंड अराउंड द स्टॉपिंग, स्टॉपिंग पर, स्टॉपिंग में क्रैक्स है या और स्टॉपिंग के अगल बगल क्रैक्स है क्या, ठीक है, ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, मेथड बताना होगा आपको, कैसे चेक करेंगे, यदि लीकेज करेगा स्टॉपिंग तो कैसा आवाज आएगा, इस टाइप का आवाज आएगा, इसको क्या बोलते, हिसिंग साउंड आएगा, ठीक है। और हम पिछला वीडियो में बोले थे सूट मार्क्स, सूट मार्क्स क्या है, कुछ नहीं, कोल्ड डस्ट का एक फाइन लाइन टाइप का दिखेगा आपको, लकीर टाइप का दिखेगा, काहे के ऊपर, प्लास्टर के ऊपर, तो आप समझ जाएगा कि ब्रीदिंग हो रहा है। देखो यही ना लिखिए, ये क्रैक्स में भी डिटेक्टेड बाय सूट मार्क्स ऑन द प्लास्टर आर हिसिंग साउंड, आर हिसिंग साउंड। सेकंड,
लूजनेस ऑफ प्लास्टर, ये सब काहे के लिए, दोनों पॉइंट जो है काहे के लिए, ब्रीदिंग तो नहीं हो रहा है, लीकेज तो नहीं कर रहा हमारा आइसोलेट से स्टफिंग, उसके लिए लूजनेस ऑफ प्लास्टर। प्लास्टर ढीला तो नहीं हो गया तो कैसे पता करेंगे, ठोक ठाक के ना पता करेंगे। जो आपका ऑफिशियल जितना भी होता है ऑफिशियल्स, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, तो माइनिंग सरदार का तो यहाँ काम नहीं, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, उनके हाथ में एक डंडा होता ना, वो डंडा से क्या करेंगे, ऐसा ऐसा ठोक ठोक के देखेंगे, यदि लूज होगा तो अपने आप धब धब आवाज आएगा, डल साउंड आएगा, उखड़ने भी लग जाएगा, यदि बढ़िया है तो मेटालिक साउंड आएगा, कुछ नहीं होगा तो वही लिखा, देखिए लूजनेस ऑफ प्लास्टर बाय स्ट्राइकिंग, व्हाट इज दिस, दिस इज द स्ट्राइकिंग, ठोक करके स्ट्राइकिंग स्टिक अगेंस्ट द स्टॉपिंग, ठीक है। गेस टेस्ट करेंगे आपका आइसोलेशन स्टॉपिंग के पास जनरली कौन सा गैस मिलता है, सीओ मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको व्हाइट डैम बोलते हैं या ब्लैक डैम, उसको टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर, अंदर में टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, मतलब आग वाग तो नहीं लगा अंदर में, तो क्या करेंगे, ऐसा उसको छू करके देख लेंगे, यदि गर्म है तो हमको पता चल गया, नहीं है तो पता चल जाएगा, ठीक है। और ह्यूमिडिटी आउटसाइड द स्टफिंग, ठीक है, और भी देखेंगे हम, रोड रास्ता सब देखेंगे आगे, ठीक है। तो अभी इतना हुआ, इसके आगे देखते हैं आप, देखिए क्या क्या चेक कर लिया आपने, उधर देख लिए, क्रैक्स चेक कर लिए, प्लास्टर का लूजनेस को चेक कर लिया, गैस चेक कर लिया, ठीक है, टेम्परेचर देख लिया, ह्यूमिडिटी देख लिया, अब क्या बचा, आने जाने वाला रास्ता। तो आने जाने वाला रास्ता के लिए दो पॉइंट है, कंडीशन ऑफ रोडवेज सपोर्ट को देख लेना है आपको, कहीं वेटिंग तो नहीं आ रहा, कहीं वेट तो नहीं आ रहा है, ठीक है, वो देख लेना है। और साथ में अप्रोच जो रोड है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, रुकावट तो नहीं है, ठीक है, कुछ सामान ऐसा तितिर बितिर पड़ा है जिससे कि आपको आने जाने में असुविधा होगी, वो देख लेना है। साथ में जितने भी फिटिंग्स है आपके, उनके कंडीशंस को देखना है, वाटर सील है, सिग्नेचर प्लेट है, नंबर प्लेट है, जितना भी फिटिंग्स अभी हम बताएं आप लोग को, वो सारे फिटिंग्स ओके है या नहीं है, यदि नहीं है तो वो भी रिपोर्ट में लिखा जाएगा, यदि है वो भी लिखा जाएगा। और हम लोग के टाइम पे अलग रेगुलेशन था, अभी जो 2017 में चेंज हुआ उसमें क्या किया है, ऑल डिग्री ऑफ सीम मींस फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड डिग्री गैस सीम हो, जो आपके आइसोलेशन स्टॉपिंग के पीछे का एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन है उसको हर 30 दिन में एक बार सैंपल लेना है और उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। हमारे टाइम में फायरी सीम डिग्री टू डिग्री थ्री इस टाइप का था, अब हर टाइप की सीम हो, चाहे फायरी सीम हो, डिग्री वन हो, डिग्री टू हो, डिग्री थ्री हो, किसी के भी जो आइसोलेशन स्टॉपिंग से बंद है वो एरिया के अंदर का हमको सैंपल लेना और हर 30 दिन में सैंपल लेना और उसका एनालिसिस करना है, ठीक है।